कांग्रेस भाजपा के अलावा जनता के पास विकल्प भी तो नहीं है कि नहीं विधायक तो चुन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं अभी तक नहीं लग रहा है कि कोई मुख्यमंत्री अन्य दल का निकल। तीसरा दल इसमें आप उतर के आ रहे हैं, सिंगरौली में उन्होंने शुरुआत कर चुकी है, सदस्यों का टीम तो उनके पास पहले से बनी हुई है, और जहाँ तक मुझे जानकारी है 230 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। लोकतांत्रिक जनसत्ता दल राजा भैया की जो पार्टी है वो भी यहाँ पे चुनाव लड़ने की तैयारी में, हम खुद चुनाव लड़ना ठीक है, 2-4-5-10-15 सीटें जीतना ठीक है, सरकार बनाना अलग हो जाता है। देखिए पांच तो कांग्रेस भाजपा के अलावा दोनों नहीं लगता कि नहीं, देखिए एक निश्चित रूप से सरकार जो बनती है पूर्ण बहुमत की वो तो इस बार नहीं बन पाएगी, बैसाखी का सहारा लेना पड़ेगा, आपका लें, हम कोई राजनीतिक दल बना दें हमारा लें, या इस आम आदमी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, उस आम आदमी पार्टी की एक जब चुनावी सभा थी, मैं आपको बता दूं, मैं भी वहीं से आता हूं सिंगरौली जहां से आपने चर्चा किया, तो बेहतर मैं आपको बता दूं कि जब चुनाव था उस समय अरविंद केजरीवाल आए थे, एक रोड शो उन्होंने किया था और कहा था कि भाइयों बहनों एक बार मुझे मत दीजिए, अगर दोबारा काम नहीं हो रहा तो मुझे मारिएगा, जूते मारिएगा या झापड़ मारिएगा। लेकिन जिन वादों को लेकर जिन वादों कर उन्होंने जनता का मत हासिल किया, उन वादों से वो मुकर गई, अब तो वो प्रदेश अध्यक्ष बन गई और उनकी व्यस्तता हो गई है। देखिए कार्यकाल 5 साल का होता है, हमारे इसके पहले में जो 15 महीने की सरकार बनी थी कमलनाथ जी ने चीख चीख के कहा कि मैं 2 लाख तक का कर्जा माफ करूंगा, उन्होंने 50,000 तक के कर्जे माफ भी किए, पर जो भी एक कर्जे माफ हुए हैं किसानों के? जी जी मेरा खुद का माफ हुआ है, रतेड़ा मेरा खेत है, सोसाइटी से मेरा 64,000 रुपये का कर्जा माफ हुआ था, और मैं यहाँ सैकड़ों हजारों संख्या में किसान मिलवा दूंगा आपको जिनके कर्जे माफ हुए हैं।